शदीद गर्मी में कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इतिहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, खारादर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन डिफेंस में 10 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश का आजाब। कराची में बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुजाहरे, 100 मकामात पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम लसपीला चौक पर मुजाहरे से खिताब करेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर, सिबी का पारा 49 डिग्री को छू गया। लाड़काना और दादू का दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का मौसम भी गर्म, लाहौर में लू चलने लगी। तिब्बी माहरीन का आवाम को धूप में बाहर ना निकलने का मशवरा। डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंदियों पर, रुपया बेबस। इंटरबैंक में डॉलर में 53 पैसे इजाफा, 192.30 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर 193 और स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट से नीचे चली गई। मार्केट को पॉलिसी और एक्शन का इंतजार है। मैं और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को खबरदार किया था कि साजिश कामयाब हो गई तो हमारी कमजोर मौशी बहाली दम तोड़ जाएगी। ऐसा ही हुआ, इमरान खान का ट्वीट। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, हुकूमत लंदन में है, यहां डॉलर 193 का हो गया। मरियम औरंगजेब का फौरी रिएक्शन, कहा डॉलर इमरान खान की वजह से 193 पर गया। इमरान खान महंगाई का शोर ना मचाए, मौशी तबाही का जवाब दें। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान मुल्की सलामती के लिए खतरा है। इमरान खान का मकसद कौमी इदारों को कमजोर करना है। ये शख्स कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का इमेज तशख्स बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। इलेक्शन रूल्स में जो तरमीम कर चुके हो, आओ बैठो, एक घंटे में वो वापस लेते हैं। मुल्की तारीख में महाना तरसीलात जर का नया रिकॉर्ड कायम। अप्रैल 2022 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब डॉलर की तरसीलात जर भेजी। सऊदी अरब से 70.7, अमारात से 61 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। बरतानिया से 84.4, अमरीका से 34.6 करोड़ डॉलर भेजे गए। मियां नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन से पहले वतन वापस आ जाएंगे। कबल इस वक्त इलेक्शन इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी आम इंतखाबात करवाने के लिए 6-7 माह का वक्त मांग लिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र की गुफ्तगू। कराची सदर में धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम को मुबैना मुश्तबा शख्स की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। काले कपड़ों में मलबूस शख्स को होटल में बेंच पर बैठे देखा जा सकता है। मुश्तबा शख्स ने जेब में हाथ डाला और सड़क की जानिब देखा, जिसके बाद धमाका हो गया। अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। धमाके में एक शख्स जांबहक, 10 जख्मी हो गए थे। दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई जबान है। ये ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है। ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान ही नहीं है। हमें दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ के कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हम इनको खत्म करेंगे। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे, छुपने की जगह नहीं देंगे, दहशतगर्दी को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सपो सेंटर में माय कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह का अस्पताल का दौरा, धमाके के जख्मियों की आदत। रदान में तहरीक इंसाफ का मैदान सज गया। इमरान खान और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला पिंडाल में छिड़काव करता रहा। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान पंजाब असेंबली की नाहली का केस। इलेक्शन कमीशन में बागी अरकान के वकला को पीटीआई के जवाब की नकूल फराहम। बागी अरकान के वकील का नई दस्तावेजात पर एतराज। वज़ीर-ए-आला के इंतखाब में पार्टी के खिलाफ वोट देना आईनी जुर्म है। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाल,
फैसल चौधरी ने कहा, आईन की धज्जियां उड़ाने वाले किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं।